नैनीताल के एसएसपी प्रहलाद नारायण मीणा के निर्देशन में बीते दिन हल्द्वानी शहर के विभिन्न होटलों स्पा सेंटरों में महिलाओं की सुरक्षा के दृष्टिगत बीते दिन प्रभारी एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग यूनिट दीपा भट्ट के नेतृत्व में पुलिस टीम की ओर से हल्द्वानी क्षेत्र के 7 स्पा सेंटरों और 11 होटलों में चेकिंग की गई। इस दौरान कुछ होटलों और स्पा सेंटरों में चेकिंग के दौरान रजिस्टरों और आवश्यक मापदंडों में अनियमितता पाए जाने पर पुलिस की ओर से वैधानिक कार्रवाई की गई। जानकारी के लिए बता दें कि इस कार्रवाई के चलते नैनीताल रोड दुर्गा सिटी सेंटर पर स्थित गोल्ड स्पा पर 5,000 रुपए नकद चलान, क्लाउड 9 पर भी 5,000 रुपए का नकद चलान किया गया। वहीं लेमन पार्क होटल पर भी अनियमितता पाए जाने के चलते 10,000 रुपए कोर्ट चलान के साथ ही होटल रईस पर भी 10,000 रुपए का चलान काटा गया। साथ ही ग्रीन ट्री स्पा का भी 5,000 रुपए का नकद चलान काटा गया। वहीं छापेमारी से इलाके में हड़कंप मचा हुआ है। समस्त प्रदेशवासियों को मेरा प्रणाम। मैं बेला तोलिया जिला पंचायत अध्यक्ष नैनीताल। समस्त क्षेत्रवासियों को उत्तराखंड के लोक पर्व उत्तरायणी पर्व की, मकर संक्रांति, लोहड़ी और गणतंत्र दिवस की ढेर सारी बधाइयाँ, ढेर सारी शुभकामनाएं देती हूँ। जय हिंद, जय उत्तराखंड।